ऐसे कलर का अगर आप एक लिपस्टिक खरीद लेते हैं तो आपको किसी कॉन्टूर स्टिक की भी जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं एक मेकअप चैलेंज आपके साथ करने वाली हूँ। अगर आपके पास आई शेडोज, कॉन्टूर या फिर ब्लश कुछ भी नहीं है, तब भी आप अपना मेकअप फुल मेकअप कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास सिर्फ लिपस्टिक है तो आप लिपस्टिक से अपना फुल मेकअप कर सकते हैं। वो कैसे आप कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं वो दिखाने वाली हूँ। लेकिन मैं आप ये रेकमेंड करूंगी, अगर आपके पास बेस मेकअप नहीं है यानी कि फाउंडेशन नहीं है, तो आप एक ऐसा फाउंडेशन का जरूर परचेज कर लीजिए। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपका जाते हैं। या फिर आप ये फाउंडेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लैक्मी का है, परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन। तो इस तरह का कोई फाउंडेशन आप जरूर से परचेज कीजिए अगर आप लोग मेकअप लवर है। बिकॉज बेस मेकअप को आप अगर लिपस्टिक से करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे जो ब्लश, कॉन्ट्रोल, आई शेडो, ये सब मैं लिपस्टिक से आपको करके दिखाऊंगी। कैसे करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इससे अपने बेस मेकअप को कंप्लीट कर लूंगी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आईब्रोज से। आईब्रोज का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर आप अपने मेकअप को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं इस लिपस्टिक का यूज करूंगी। ये लिपस्टिक है ऑटम ब्यूटी से और इसी से मैं अपने आईब्रोज को ड्रॉ करूंगी। आप देखते जाइए कि मैं किस तरह से अपने आईब्रोज को ड्रॉ करती हूँ एक लिपस्टिक की मदद से। आप ऐसे एक ब्रश में इसको ऐसे पिक कर लीजिए पहले। आईब्रोज, देन दूसरे आईब्रोज को मैं इसी तरह से करूंगी। और एक टिप मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप लिपस्टिक को ऐसे डायरेक्ट लगा के टिश्यू पेपर की मदद से वाइप अप कर दीजिए साइड के जो एंगल्स है। टिश्यू पेपर की मदद से इस साइड में जो लगा हुआ है एक्स्ट्रा, इसको आप वाइप अप कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक टेक्निक है और बहुत ही आसानी से आईब्रोज आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर क्या करते हैं, हम अपने आई शेडोज की तरफ जाते हैं। आपको करना है क्रीज लाइन ड्रॉ। क्रीज लाइन आप कैसे ड्रॉ करेंगे, वो भी इस लिपस्टिक से। आपका जो क्रीज लाइन है वहां पे इसको मैं लगा रही हूँ। आपका जहां पे है आप वहां पे ड्रॉ कर लीजिए एक फ्लॉपी ब्रश की मदद से। मैं कर लूंगी इसको ब्लेंड। तो अगर आप अपने मेकअप को कर रहे हैं तो इसका और एक फायदा ही है, बहुत ज्यादा पिगमेंटेड भी होता है क्योंकि कंप्लीट। आप अगर इसको क्रीज नहीं करना चाहते, अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर तो सभी लड़कियों के पर्स में होता है, तो कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा सा लेके आप उसके ऊपर जस्ट डस्ट कर दीजिए ताकि वो सील हो जाए और क्रीज ना करे, क्योंकि लिपस्टिक है वो हट सकता है। अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेंगे तो वो बिल्कुल भी हटेगा नहीं। आईलिड को हम छोड़ देते हैं अभी, दूसरे मेकअप कर लेते हैं जैसे कि कॉन्टोर, ब्लश। तो कॉन्टोर के लिए मैं इसी लिपस्टिक का एक यूज करूंगी। तो ये तो वन लिपस्टिक मेकअप चैलेंज हो जा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अभी कॉन्टोर लाइन में इसको ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। पर यहाँ पे मैं बता दूँ, आप मैट लिपस्टिक का ही यूज कीजिए ना कि ग्लॉसी का। यू कैन सी मेरा कॉन्टोर हो गया है एंड आप इसको अपने फिंगर से ही ब्लेंड कर लीजिए। इसके लिए आपको कोई भी ब्रश की जरूरत नहीं है ना ही ब्लेंडर की जरूरत है, यू जस्ट कैन यूज योर फिंगर। उसके बाद मैं इसको अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर लूंगी। आईज को थोड़ा स्मोकी इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप इससे लिपस्टिक को और थोड़ा सा आईलिड में अप्लाई करके उसे स्मज कर सकते हैं। तो एक नेचुरल सटल सा लुक है। मुझे तो ये हैक और ये चैलेंज
सक्सेसफुल लगा, आपको अगर लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।